दोस्तों नोकिया इंडियन मार्केट में वापस से कमबैक करने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं नोकिया के बारे में। तो आज के वीडियो में बात करूंगा नोकिया X200 Pro Plus के बारे में, जो कि फ्लैगशिप फोन होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बात करूंगा इस फोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट में 5 वोल्ट डिस्प्ले। इस फोन में आपको 7 इंचेस का बिग डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड 144 हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया जाएगा और बैक साइड पे आप मिनी डिस्प्ले 2 इंचेस का देखने को मिलेगा। और इस फोन के कैमरा की बात की जाए तो 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल मैक्रो प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और इससे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps पे कर सकते हो। और इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करो तो Qualcomm Snapdragon 898 जो कि 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इससे आप हाई सेटिंग पे PUBG जैसे फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम स्मूथली खेल सकते हो। ये 2 RAM वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 10GB टू 56GB, 12GB टू 56GB स्टोरेज के साथ। और इस फोन के बैटरी की बात की जाए तो 7000 mAh बैटरी के साथ 45W का सुपर फास्ट चार्जर और USB-C टाइप, डुअल स्टोरेज स्पीकर, 3.5mm एडल जैक। और इस फोन के प्राइस की बात की जाए तो 40K या 45K के बीच में इसकी प्राइस हो सकती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।